वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन इस देशबंदी से न सिर्फ रोजगारों पर अटैक हुआ बल्कि अर्थव्यवस्था को भी करारा झटका लगा। इससे सबसे ज्यादा असर पड़ा दिहाड़ी मजदूरों पर, जो पैदल ही अपने घरों को निकल गए। ऐसे में राज्य सरकारों ने मजदूरों को रोकने के लिए और उनके खाने पीने से लेकर कई तरह के इंतजाम करने का आश्वासन दिया और इसके लिए भारी भरकम फंड का भी ऐलान किया। अब ऐसे में राज्य सरकारों के पास खुद फंड की कमी हो गई है। आपको बता दें कि अब प्रवासी मजदूरों को अपने शहर लौटने से रोकने के लिए और उनके खाने पीने का इंतजाम तक करने के लिए राज्यों को फंड का ऐलान करना पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें इस फंड को जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि देशबंदी के बाद पहली बार पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को बैठक की, लेकिन खबरों की माने तो ज्यादातर राज्यों ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बकाया चुकाने की मांग की थी। आपको बता दें कि राज्यों की पीएम के साथ पहले भी मीटिंग हुई थी, लेकिन उस वक्त बोलने के लिए सिर्फ 8 सीएम को ही न्योता दिया गया था। कई राज्य के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि केंद्र ने 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान करने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया। ऐसे में मजदूरों को राहत देने का बोझ राज्यों के कंधों पर आ गया। इस कारण पर्याप्त आर्थिक साधन जुटाने के लिए राज्यों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच लगातार विश्वास की कमी भी पैदा हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार से जुड़े एक अफसर ने बताया था कि राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 25,000 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज करने के लिए कहा था। फंड की कमी के चलते राज्य में राहत कार्यों से जुड़े काम में काफी परेशानी आ रही है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आदि राज्य की सरकारों को अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करनी पड़ रही है या फिर उन्हें लेट सैलरी देने जैसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 अप्रैल गुरुवार को सभी सीएम के साथ हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरत का सामान जनता तक पहुंचे ये राज्यों को सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अपील भी की कि जिन राज्यों में जमात से लोग आए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के कारण संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 1500 से भी अधिक ऊपर जा चुका है। ऐसे में सेफ्टी बनाए रखना जरूरी है। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहें सत्ता के साथ।